मुनीरका गांव में कोरोना के 3 पॉजिटिव केस आने के बाद यहां पर एसडीएमसी का जत्था पहुंच गया। जी हां, तस्वीरें शनिवार के हैं। मुनीरका गांव में सुबह से ही एसडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे, खुद स्थानीय निगम पार्षद भगत टोकस हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और पूरी कर्मचारियों के साथ हर गली हर घर पर जाकर सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को बताया भी जा रहा है कि इस कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के 3 नए केस मुनीरका गाँव में मिले, जिस पे मुनीरका गाँव को सील कर दिया गया है, हॉटस्पॉट बनाया गया है। मुनीरका के 3 इलाके, जिस तरीके से अम्बेडकर चौक और तिकोना पार्क, यहाँ पर 3 COVID-19 के जो केस हैं वो मिले हैं, जिसके बाद एसडीएमसी का जत्था है शनिवार को सुबह यहाँ पर पहुँच गया और लगातार हर घर में जाकर, चाहे वो 2 मंजिला इमारत हो या 4 मंजिला, सभी इमारतों में जाकर यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मशीनों के द्वारा, खुद टैंकर के द्वारा और मैनुअली जो हैंड मशीन होती है उसके द्वारा भी हर जगह पर जाकर सैनिटाइज किया जा रहा है। एसडीएमसी के सारे अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, खुद निगम पार्षद हैं वो यहाँ पहुँचे और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे पहले भी लगातार एमसीडी की तरफ से सारे काम चल रहे थे, लेकिन मुनीरका में जिस तरीके से 3 पॉजिटिव केस आए हैं उसके बाद से एसडीएमसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हरकत में आ गई। जो जत्था है एसडीएमसी का वो यहाँ पर पहुँचा, खुद स्थानीय निगम पार्षद भगत टोकस के नेतृत्व में यहाँ पर हर एक गली में जाकर और हर एक मकान में सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है। आप देखिए किस तरीके से जो मशीन है उससे भी यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है, जमीन हो या मकान, हर तरीके से पूरी तरीके से इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। और उसके बाद खुद भगत टोकस ने बताया कि लगातार वो कौन कौन सी ड्राइव चला रहे हैं जिससे कि लोगों को सुविधा भी मिल रही है। अपना नाम बता। भगत सिंह टोकस, निगम पार्षद मुनीरका वार्ड। भगत जी, आज आप लोग ये जो ड्राइव चला रहे हैं क्या वजह है, किस लिए चला रहे हैं? देखिए, हम जब से इस वैश्विक महामारी का आगमन हुआ है, हम निरंतर लॉकडाउन के बाद पूरे मुनीरका गांव के अंदर मुनीरका वार्ड में हमारे एमसीडी के हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ही मुस्तैदी के साथ सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी पिछले गत दिन कल ही यहां पर जो है 3 केस पॉजिटिव निकले हैं मुनीरका में। तो एक युद्ध स्तर पर यहां हमारे MHO डॉक्टर हजारिका जी भी हमारे साथ में हैं, तो पूरी की पूरी जो टीम है, आज हमने ये तय किया कि एक एक गली एक एक कोना मुनीरका का गांव का पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए, ताकि इसको और जो जिस एरिया में निकला है, तिकोना पार्क और एक अपने अंबेडकर चौक में, हमने वहां पर दिल्ली पुलिस के माध्यम से पूरी तरह उसको सील भी कर दिया है और हमारे RWA के प्रधान जी राज कपूर जी भी हैं और बहुत मुस्तैदी से यहाँ पर काम हो रहा है। और मैं विशेष रूप से हमारी जोन की चेयरपर्सन तुलसी जोशी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरे जोन के अंदर जिस प्रकार से सैनिटाइज के टैंकरों का कार्य विभाग उन्होंने किया है, विभाजन किया है कि प्रत्येक वार्ड के अंदर सप्ताह में 2 बार टैंकर से सैनिटाइज किया जा रहा है, इसके लिए तुलसी जोशी जी बधाई के पात्र हैं। कुमार शर्मा, एंटी मलेरिया ऑफिसर, साउथ जोन, ग्रीन पार्क। हमारे 24 वार्ड हमारे इस जोन के हैं, सारे वार्डों में हमने सैनिटेशन का ड्राइव हमारे मलेरिया वर्कर के द्वारा, जो पब्लिक हेल्थ जोन से, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, पूरे वार्डों में हमने सैनिटेशन का ड्राइव चलाया हुआ है। इसके लिए हमारे पूरे SDMC के जो चीफ हैं डॉक्टर हजारिका जी, हमारे यहाँ के DHO डॉक्टर NR तुली जी हमें पूरा भरपूर इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ पर भी इस तरह के कोई केसेस कोरोना के निकले हुए हैं, हमारा मलेरिया वर्कर PPE किट पहन के उस घर के अंदर जाके सैनिटाइज कर रहा है। सर, बहुत बड़ा रिस्क है इसमें, वो आदमी जाके खुद उस घर में जाके अंदर किट पहन के जब वो वहाँ पे सैनिटाइज करता है, मान लो उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहा है। पूरे एरिया में अभी आज वार्ड नंबर 66 के इस भगत सिंह टोकस जी यहाँ के काउंसलर हैं, उनके निर्देशानुसार हम पूरे इस मुनीरका में सैनिटाइज का प्रोग्राम ने चलाया हुआ है। यहाँ पर 2-3 केस कल हमें रिपोर्ट हुए थे, उन केसों के आसपास उस केस के घर पे अंदर जो हमारा मलेरिया का जो वर्कर है वो जाके जब ये कार्य करता, सर एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कहीं रिस्क लेके, आप देख ही रहे लॉकडाउन में कहीं आम पब्लिक कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारा पब्लिक हेल्थ से जुड़ा आदमी, मलेरिया का एक वर्कर, इस तरह का जान जोखिम में डाल के इस तरह के कार्य कर रहा है। पूरे 24 के 24 वार्ड में हम सैनिटेशन का प्रोग्राम ये चलाया हुआ है सर हमने।